दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सभी को खौफजदा किया है और मरने वालों का आंकड़ा भी डरा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को टीका लगाने की तैयारी है। ऐसे में खुद सीएम केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए 77 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में पहली बार सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए सरकारी स्कूल में खास इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 77 सरकारी स्कूलों में 18 प्लस को वैक्सीन लगाने की तैयारी की है। दिल्ली में 3 मई से बड़े स्तर पर 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। भीड़ बढ़ने के मद्देनज़र जिन 77 सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उन सभी स्कूलों को नज़दीकी अस्पताल से अटैच भी किया गया है। स्कूलों के अंदर टीकाकरण केंद्र इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि अगर टीका लगवाने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग आ जाएँ तो संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। जानकारी मिली है कि सेंट्रल दिल्ली में 6 स्कूल, पूर्वी दिल्ली में 3 और पश्चिमी दिल्ली में 17 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दूसरे इलाकों में भी कई स्कूलों को वैक्सीन लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह पहली बार है जब स्कूलों को इस अंदाज में वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।